और हाथरस में एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त, पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी की टीम, जहां जांच शुरू कर दी गई है। 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और उसके लिए आज से जांच शुरू कर दी गई है। हाथरस की वो घटना जिससे पूरा देश एक बार फिर शर्मसार हुआ, मानवता शर्मसार हुई है, और हाथरस में अब एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी। एसआईटी का गठन कर दिया गया था और अब 7 दिन में एसआईटी को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। और दूसरी बड़ी खबर अब आपको बताएं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हाथरस भी जा सकती हैं। उनके हाथरस दौरे को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस जा रही हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं, और हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलना, उनकी बातों को सुनना, ये प्राथमिकता रहेगी। लेकिन इसको देखते हुए नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पे सिक्योरिटी और टाइट की गई है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है पूरी तरीके से, धारा 144 भी लगा दी गई है, हाथरस के सभी बॉर्डर को सील किया गया। प्रियंका गांधी आज हाथरस का दौरा कर सकती हैं, पुलिस ने किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है और पीड़ित परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। डीएम ने एक बार फिर यह बात सामने कही है। जी मीडिया संवाददाता हर्षा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, हाथरस में इस वक्त वो मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज हाथरस में किस तरीके की स्थिति है, परिवार उस पीड़े को आज भी सहन कर रहा है, लेकिन उस बीच सियासत भी तेज हो गई है। हर्षा, प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही है आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, हालांकि खबरें ये आ रही हैं, सामने सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन धारा 144 ऐसे में वो जाएंगी कैसे? देखिए प्रिया, यहाँ तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि डीएनटी से लेकर के एक्सप्रेसवे का जितना रूट है, जितने भी दो टोल पड़ते हैं जेवर और मथुरा, जो प्रियंका गांधी को क्रॉस करने पड़ेंगे, उन तमाम जगहों पर हेवी फोर्स डिप्लॉयड है ताकि वो यहाँ तक ना पहुंच सके। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल या मीडिया कर्मी भी गाँव के अंदर उनको जाना अलाउड नहीं है, पूरी फोर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। एसआईटी की टीम इस वक्त अंदर है जो कि पीड़ित परिवार से बात कर रही है। एसआईटी की टीम रात में भी आई थी पीड़ित परिवार से बात करने के लिए, सिर्फ पीड़ित परिवार से ही जानकारी नहीं ली गई है, बल्कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया, पुलिस की क्या खामी रही, पुलिस की क्या लापरवाही रही, कंप्लेन दर्ज कराने में कितनी देरी हुई, मेडिकल कराने में कितनी देरी हुई, अस्पताल की तरफ से हर एक छोटी डिटेल एसआईटी की तरफ से ली जा रही है। एसआईटी की टीम ने कल एसएसपी के साथ बैठ करके पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसकी पूरी डिटेल ली है, साथ ही साथ पीड़ित परिवार को क्या परेशानी हुई है, क्या तकलीफें हुई है इनिशियल तौर पे, उसकी भी सारी डिटेल पीड़ित परिवार से। हर्षा देखिए, प्राथमिकता तो यही है कि एसआईटी जांच करने के लिए आज पहुंच चुकी है वहां पे, तो शांतिपूर्ण तरीके से वो जांच करे, पीड़ित परिवार से मिले, वो साक्ष्य जुटाए। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके से दौरे होंगे, सियासत होगी, तो जाहिर सी बात है माहौल वहां का खराब होगा, जिसे देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा वहां के डीएम को भी, प्रशासन की तरफ से, कि धारा 144 लगा दी जाए। प्रिया बिल्कुल आप ठीक कह रही है, 144 लगाई गई है जिसकी वजह से नहीं चाहते कि कोई भी डेलीगेशन या पीड़ित परिवार से मिले और उनका ब्रेन वॉश करे या फिर उनको किसी तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए उकसाए या फिर ये कहे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन प्रिया एक सवाल ये भी है, मीडिया को लगातार रोकना, अंदर ना जाने देना, पीड़ित परिवार से मिलने ना देना, पीड़ित परिवार से ये कहना कि मीडिया से आप कोई बातचीत नहीं करिए, मीडिया से कोई, मीडिया में कोई बयान अब नहीं दीजिए, कल जितनी चीजें सामने आई, कल जिस तरह से डीएम के बयान है, एसएसपी के बयान है, उसे कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की जो नाकामी, बिल्कुल मीडिया वही दिखा रहा है जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं, जो उनके घर वाले कह रहे हैं, जो पीड़ित के साथ हुआ है। और प्रशासन को मुझे लगता है कि इस बात से भी इत्तेफाक रखनी चाहिए कि पीड़ित परिवार के भीतर जो कुछ है वो बाहर आना चाहिए, वो इस वक्त जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जिससे जूझ रहा है, वो न्याय की मांग कर रहा है, वो इस देश से इस गंदगी के सफाई की मांग कर रहा है, वो क्या कह रहा है, क्यों आखिरकार उस पर इस तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप मीडिया से दूर रहिए, अपनी बातों को सामने मत लाइए, ताकि वो प्रशासन के फेलियर को सामने लेकर ना आए। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।